क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या आपका नेतृत्व झूठे मटकार लंपट कपटी धोखा देने वाले और पीठ में चुरा मारने वाले करेंगे। आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो। ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा यह है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3-3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि बाहर से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा, जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे, तो तुम बताओगे कौन कहां का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अब एक और बात मैं आपको चलते चलते